नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच का पंच। मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे होंगे कि आज फिर हम चार हैं, पांचवा किरदार यहां से गायब है, तो वो प्रकट होगा आज पांच का पंच में, यही खास होगा। जी, हम अपनी तकनीक टेलीपोर्टिंग का एक बार फिर से इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आज पांच का पंच में आपको दिखाएंगे कि कैसे अमित शाह ने पहली बार अपने बेटे पर जो आरोप लगे हैं उन पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस ने तंज कसा है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। और आपको बता दें कि इन खबरों के अलावा एक और जो बड़ी खबर है वो है आरुषि के मम्मी पापा की रिहाई। जी हाँ, आपको आज हम इन खबरों के अलावा ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों देरी हो रही है आरुषि के मम्मी पापा की रिहाई में। साथ ही आज तक आपको वो 10 सवाल भी दिखाएगा कि आखिर इस देरी के पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, गुड इवनिंग, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी गंडवाल। और जैसा आप श्वेता ने बताया कि क्योंकि गुजरात में पंचायत का महामंच लगा है, तो वहां पर जो भी सेशंस हुए उनकी जो बड़ी बातें रही वो हम आपको बताएंगे ही। और राहुल कंवर, अंजना कश्यप हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में, लेकिन शुरुआत करते हैं हम बड़ी खबरों के साथ। जी, आरुषि मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसीलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोर्ट के फैसले के बाद अब आरुषि के जो मम्मी पापा है वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन उनकी रिहाई में कुछ मुश्किलें आ रही हैं। मुश्किलें तकनीकी है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है वो पहले डासना जेल नहीं बल्कि उस सीबीआई की अदालत को भेजा जाएगा जिसने तलवार दंपति को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यहां से रिहाई का आदेश इसके बाद डासना जेल भेजा जाएगा। हम वो 10 वजह आपको दिखाते हैं जिसकी वजह से ये रिहाई जल्दी मुमकिन नहीं हो पा रही है। सोमवार तक कम से कम इंतजार करना पड़ सकता है आरुषि के माता पिता को। स्पेशल मैसेंजर को पहुंचाना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी को। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी है वो डासना जेल पहले नहीं जाएगी, पहले सीबीआई की अदालत जाएगी। जिस कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी उसे ही दिया जाएगा रिहाई का फैसला। हाई कोर्ट का आदेश मिलने के बाद सीबीआई कोर्ट के जज तलवार दंपति के वकील को बुलाएंगे, और इसके बाद वकील को तलवार दंपति के वकील से सीआरपीसी की धारा 437A के तहत बेल बॉन्ड भरवाया जाएगा। यानी इतना सरल नहीं होने वाला है रिहाई का रास्ता। हमारे साथ शम्स ताहिर खान इस वक्त जुड़ रहे हैं। शम्स, तकनीकी पेच तो काफी भारी भरकम नजर आ रहे हैं, कितना इंतजार, क्या सोमवार तक हो जाएगा इनकी रिहाई में? देखिए, कानूनी प्रक्रिया है श्वेता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी आप जो दिखा रही थी ये सारे जो प्रोसीजर हैं इसके कानून के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें अहम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल फैसला सुनाया था 2:50 पर, और वो ये था कि इन दोनों को बरी कर दिया गया है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट रिहाई का फैसला नहीं देगा, उसका कोई रिहाई का आदेश जेल तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है गाजियाबाद की उसने ये सज़ा सुनाई थी दोनों को उम्र कैद की, तो इसके खिलाफ अपील की थी तलवार फैमिली ने, अपील को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आपके फैसले को हम पलटते हैं। इसके बाद जिस अदालत ने, जिस निचली अदालत ने इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा दी थी, यानी कि गाज़ियाबाद की सीबीआई की कोर्ट ने, उसी अदालत को अपने फैसले को अब पलटना है और जो सज़ा दी थी उसको कैंसिल करते हुए अब रिहाई के आदेश जारी करने हैं। तो रिहाई के आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट जारी नहीं करेगा, बल्कि रिहाई के जो आदेश है वो गाज़ियाबाद की स्पेशल कोर्ट जारी करेगी, और ये रिहाई का आदेश डासना जेल के जेलर के नाम पर होगा। आमतौर पर दस्ती यानी कि कोर्ट का कोई कारिंदा जब उसको लेकर जाएगा वहाँ से, जब ये रिहाई के आदेश होंगे और वो जेलर के नाम होगा, वो जाकर जेलर के हाथ में देगा। लेकिन ये आगे की चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक सीबीआई की विशेष अदालत के पास इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो फैसले की कॉपी नहीं पहुँची, तो फैसले की कॉपी पहुँचेगी, उसके बाद सीबीआई के कोर्ट उस फैसले की कॉपी को देखेंगे और फिर रिहाई के आदेश जारी करेंगे जो जेलर तक पहुँचेगा। तो अभी मतलब हम पहले चरण में ही हैं, टाइम कम है, इसलिए कि जो कानून कहता है वो ये कि 4:30 तक जेल के पास रिहाई के आदेश आ जाने चाहिए, हालांकि वो रात 7-8 तक भी छोड़ सकते हैं। 4:30 के बाद रिहाई के आदेश अगर नहीं पहुंचते हैं तो फिर ये मान के चलना चाहिए कि आज रिहाई नहीं होगी, लेकिन 4:30 में भी वक्त है। अगर रिहाई के आदेश पहुँच गए तो फिर मुमकिन है कि आज दोनों रिहा हो जाए। उम्मीद तो उनका पूरा परिवार यही कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके वो डासना जेल से बाहर आ जाए, आज ही अगर निकल जाए तो उनका पूरा परिवार इसके लिए तैयार है। शम्स, सारी जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। अब बात करते हैं गुजरात की, जहां बड़े समय से कांग्रेस लगातार एक के बाद एक वार कर रही है अमित शाह के ऊपर, उनके बेटे जय को लेकर। कांग्रेस ये सवाल कर रही थी कि आखिर अमित शाह जो सारे आरोप लग रहे हैं जय शाह के ऊपर, उनको लेकर चुप क्यों है? आज पहली बार
आज तक के मंच पर अमित शाह ने हमसे बात करते हुए उन सारे सवालों का जवाब दिया। सुनिए। जहां जहां कांग्रेस के जो नेता जा रहे हैं वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं आपके खुद के बेटे को लेके। आरोप ये लग रहा है कि जय शाह की कंपनी जिसका 80,000 रुपए का एक साल का टर्नओवर था अगले साल बढ़ के वो 80.5 करोड़ रुपीज 80,000 का नहीं था 5,000 का था 5,000 रुपए से 80.5 करोड़ रुपीज में वो कैसे हो जाता है? वो कहते हैं ये क्या मॉडल ऑफ ग्रोथ है। चलिए अच्छा किया राहुल जी आपने सवाल कर दिया मुझे। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग सवाल उठा रहे सबको पहले कुछ सवाल देना चाहता हूँ बाद में जवाब करना चाहता हूँ। कांग्रेस पर आजादी से बाद आज तक इतने भ्रष्टाचार के आरोप, ये भ्रष्टाचार का नहीं है आरोप, पहले ये बात समझ लीजिए, किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कांग्रेस ने एक भी क्रिमिनल डेफर्मेशन और 100 करोड़ का सिविल सूट फाइल किया है क्या? नहीं किया है तो इतनी हिम्मत क्यों नहीं है उसकी? जय ने आज क्रिमिनल डेफर्मेशन फाइल किया है, सिविल सूट भी फाइल किया है, वो जांच की मांग करे? जय ने स्वयं जांच मांगी है। अब आपके पास जो तथ्य है लेकर पहुंच जाइए कोर्ट में, कोर्ट के सामने रखिए, कोर्ट फैसला करेगी। हमने स्वयं जांच को इनवाइट किया है। और जहां तक कंपनी का सवाल, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, ये कंपनी ने एक रुपये का व्यापार सरकार के साथ नहीं किया है, एक रुपये की सरकारी जमीन नहीं ली है, एक रुपये का सरकारी ठेका नहीं लिया है, तो इसमें करप्शन का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। ये शुद्ध रूप से कॉमोडिटी एक्सपोर्ट का बिजनेस है जिसमें टर्नओवर ज्यादा होता है, मुनाफा कम होता है। बाजरा, अरे चावल, मक्का और रेपसीड्स, ये तीनों को एक्सपोर्ट किया है और धनिया को इंपोर्ट किया है। और 80 करोड़ का टर्नओवर करके वो बताते नहीं है कि अंत में क्या हुआ, कितना मुनाफा हुआ। 80 करोड़ का टर्नओवर होने के बाद 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। कहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई? सारा ट्रांजेक्शन चेक से हुआ है, सारा ट्रांजेक्शन बैंक से हुआ है, सारा ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट का है। क्योंकि जो सवाल उठा वो ये कि क्या इस तरह के अनसिक्योर्ड जो लोन्स मिल रहे हैं, लेटर्स ऑफ क्रेडिट मिल रहे हैं, क्या किसी छोटी कंपनी को मिल सकते हैं अगर वो अमित शाह के बेटे की? पहले आप समझ लीजिए, लेटर ऑफ क्रेडिट मिला है, लोन नहीं मिला है। और लेटर ऑफ क्रेडिट जो मिला है उसके सामने 100% पैसा देकर मटेरियल उठाने की लिमिट है। बैंक एक पैसा लोन नहीं दे रही है भैया, उल्टा हमारा कैश मार्जिन पड़ा रहता था वहां पर जय का, और 100% पैसा भरने के बाद बैंक लोन देता था और बैंक का पूरा पैसा वापिस कर दिया गया, सूद भी पूरा चुकता कर दिया गया। तो सवाल से कन्नी काटने की जगह अमित शाह ने खुलकर बताया कि आखिर क्यों यहां पर कोई घोटाला नहीं है। लेकिन राहुल गांधी पर बहुत सारे आरोप और बहुत सारे सवाल जरूर डाल दिए। अमित शाह साहब, बीजेपी गुजरात मॉडल की बात करती है, गुजरात में अपने डेवलपमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करती है, फिर ऐसा क्यों होता है कि इस चुनाव से पहले विकास हैज गॉन क्रेजी पूरे राज्य भर में वायरल हो जाता है, लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, राजनीतिक आपके विरोधी कोशिश करें ना करें लेकिन लोगों के बीच भी वो एक दूसरे को दिखा रहे हैं, एक तरीके से नारा बन गया है विकास हैज गॉन क्रेजी। उनको लगता है कि बातें बड़ी बड़ी, क्या हकीकत भी उतनी ही बड़ी है? राहुल भाई आप, मैं मानता हूं 2002 में जर्नलिस्ट होंगे ही, 7 में भी होंगे, 12 में भी होंगे और 17 में भी हैं। 2002 में भी चुनाव के 2 महीने पहले कांग्रेस ने माहौल खड़ा किया था कि चुनाव हम हार रहे हैं। 2007 में भी किया था, 12 में भी किया है, 17 में भी वो प्रयास करे, हर बार 2/3 बहुमत से जीते थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और हम 2/3 बहुमत से जीतते थे। आज प्रधानमंत्री है, हम 3/4 बहुमत के साथ जीतेंगे। गुजरात की जनता विकास को समझ रही है। और आप मुझे पूछ रहे हैं वास्तविकता में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये मैंने जो आंकड़े रखे हैं वो जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तब भी ये आंकड़े थे, आज भी ये आंकड़े हैं। इस आंकड़ों का वेरिफिकेशन कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता भी कर सकता है, नेता भी कर सकता है। मेरा आपसे निवेदन है, इसकी अंग्रेजी कॉपी मैं आपको देकर जाता हूं, आप ये सवाल कांग्रेस को जरूर पूछना कि भाई इसको आप डेवलपमेंट नहीं मानते हो क्या? 1 लाख घट कपास का कॉटन का उत्पादन बढ़ जाए, 1 लाख मैट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन बढ़ जाए, 1 लाख मैट्रिक टन दूध का उत्पादन बढ़ जाए,
इसको विकास नहीं मानते हैं। 24 घंटा बिजली हर गांव में हर घर में पहुंचा दी, इसको विकास नहीं मानते हैं। हर गांव तक हर टोले तक रोड पहुंचा दिए, इसको विकास नहीं मानते हैं। पब्लिक हेल्थ सेंटर की एक पूरी श्रृंखला हमने बना दी, मैं समय के अभाव में आंकड़े नहीं दे पाए, 3 गुना बढ़े हैं। 108 का पूरा जाला बुन दिया है, आप कहीं से भी फोन करो 10 मिनट में 108 पहुंचती है। इसको आप डेवलपमेंट नहीं कहते। माता मृत्यु दर नीचे आ रही, शिशु मृत्यु दर नीचे आ रहा है, ड्रॉप आउट रेशियो लगभग 0 हो गया, इसको आप डेवलपमेंट नहीं मांगते हो? अगर कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के डेवलपमेंट को ही डेवलपमेंट मानती है तो मेरे पास इसका रास्ता नहीं है। गुजरात की जनता को अगर डेवलपमेंट की बात करती है तो वो हमने निश्चित किया। एक बड़ा सवाल डीमोनेटाइजेशन को लेकर भी है। डीमोनेटाइजेशन को लेकर सवाल ये कि यहाँ पर आपने डीमोनेटाइजेशन की, लोगों ने समर्थन भी दिया, लेकिन फिर 99% पैसा वापस आ गया। क्या आज आप मानेंगे कि डीमोनेटाइजेशन को जिस सोच के साथ इंट्रोड्यूस किया गया वो सोच पूरी हुई, या आप मानेंगे कि थोड़ा सा चेंज हुआ है? नहीं, पूरी हुई है राहुल जी। देखिए, 2 बड़ी समस्याएं थी। एक तो अर्थ, मतलब हमारी वित्तीय व्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों के घर में पड़ा था, जो मेन स्ट्रीम में नहीं था, बैंकों में नहीं था या सरकारी खजाने में नहीं था, जिससे देश का विकास हो पाए। आज अगर ये लोग कहते हैं कि 99% नोट वापिस आ गए तो कहां गए? बैंक में गए। बैंक में गए तो मेन स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम में आए तो देश के विकास के अंदर वो काम आएंगे जो लोगों के घर में पड़े थे। एक बात तो ये पर्पस तो 100% सब हुआ है कि जो पैसा घर पे पड़ा था, काला पैसा, वो सारा आज मेन स्ट्रीम में आया है। अमित शाह यहाँ पर जो भी कह रहे हैं, क्योंकि मेरे को गुजरात जाने का मौका मिला था जब मैं नवरात्र की कवरेज के लिए गई थी, वहाँ पर जो व्यापारी वर्ग था उनमें एक बहुत बड़ी नाराजगी थी डीमोनेटाइजेशन और GST मूव को लेकर, और अभी जो लास्ट अनाउंसमेंट हुए हैं, क्या उसके बाद माहौल कुछ बदलेगा और जिस बात का भरोसा अमित शाह भी अपने इंटरव्यू में दिला रहे हैं? बिल्कुल अमित शाह, अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें जो बयान आए हैं उनके, खास तौर पर जब ये कांग्रेस का अटैक हुआ था बीजेपी के ऊपर जय शाह का मुद्दा लेकर के, उसके बाद भी आज भी उन्होंने यही बात बार बार दोहराई है कि एक मौका दीजिए। हर बार जब चुनाव करीब आते हैं तो कांग्रेस इसी तरह का कैंपेन बीजेपी के खिलाफ चलाती है, पर हर बार जनता बीजेपी को ही चुन करके वापस भेजती है, बहुमत से भेजती है, और इस बार भी उसी तरीके से चुनेगी, तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। तो गुजरात चुनाव पर लगातार हमारी कवरेज भी जारी है, और इस बीच आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार वहां पर रैलियां भी कर रहे हैं, और इस बीच हमारे संवाददाता मयूरेश ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो 2 दिन के अपने गुजरात दौरे पे हैं। आइए बात करते हैं योगी जी, आपने सभाएं अभी संबोधित की है, कैसा रिस्पांस लग रहा है आपको लोगों का? क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी यहां पे आके गए थे और उन्होंने कहा कि 22 साल में बीजेपी ने कुछ डेवलपमेंट किया ही नहीं है। अभूतपूर्व उत्साह है और उत्साह होना भी चाहिए। ये उत्साह इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाएगी, और बनाना भी चाहिए। आज तो गुजरात का नेतृत्व पूरे देश को नेतृत्व दे रहा है। क्या आपको लगता है विकास यहाँ पे पागल हुआ है जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी का विकास तो अजीब तरह का विकास है। राहुल गांधी जिस अमेठी से सांसद हैं, और अमेठी और रायबरेली अगल बगल हैं, दोनों माँ और पुत्र अगल बगल से सांसद हैं, भगवान चाहेंगे तो अगली बार संसद का मुंह देखने का अवसर नहीं मिलेगा उन लोगों को। 3 पीढ़ियां उस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और पिछले 3 पीढ़ियों से प्रतिनिधित्व किए जाने के बावजूद भी वहाँ जिला मुख्यालय आज तक नहीं बन पाया है, वहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय नहीं है जी। जैसे कि हमने वादा किया था, हम 4 तो यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, पर हमारे 5वें साथी जुड़ रहे हैं टेलीपोर्टिंग के जरिए सीधे गुजरात से, जहां पर गुजरात चुनाव से ठीक पहले है आज तक का महामंच पंचायत आज तक में गुजरात चुनाव से पहले सबसे बड़े नाम जो राजनीति के हैं वो जमा हुए हैं, और आज सुबह ही आज तक के महामंच में बात की थी अमित शाह ने हमारे सहयोगी राहुल कमल से। पर उससे पहले कुछ झलकियां दिखा देते हैं क्या हुआ वहां। राहुल, आप
चुटकी बजाते आ सकते हैं, चुटकी बजाते जा सकते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था हमारे बीच होती है। लेकिन पांच का पंच में हम आपसे सवाल पूछें उससे पहले अपने दर्शकों को जरा एक दूसरे जो सेशन था उसका हिस्सा दिखा देते हैं, क्योंकि इस बार का जो गुजरात चुनाव है इस मायने में अहम है कि पहले तो नरेंद्र मोदी के बगैर यह पहला चुनाव है, क्योंकि 2014 में वो गुजरात से आगे बढ़कर देश के पीएम बन गए। दूसरा ये कि कई बहुत सारे बिंदु हैं इसमें, पाटीदार आरक्षण बहुत अहम इसमें, इसीलिए हार्दिक पटेल जब यहां पर पहुंचे और उनके साथ कुछ और नाम, तो एक मंच पर क्या क्या आरोप और क्या क्या बातें हुई वो सुनिए। हार्दिक पटेल को अब किसी पहचान की जरूरत तो है नहीं, तो पहला सवाल हार्दिक पटेल आप ही से है और वो ये है कि 23 है उम्र आपकी, 23 की उम्र में युवा सोचता है देश को आगे ले जाने का, आपने घड़ी की सुई मोड़कर पीछे पहुंचा दी जाति पर, गर्व है आपको अपने इस उपलब्धि पर? जो बात मैं कर रहा हूं इस समुदाय की, 1,20,00,000 का समुदाय है इस गुजरात के अंदर, अगर इन लोगों को एकजुट कर किसी सत्ता के सामने अपने अधिकारों से मुंह मोड़कर नहीं लेकिन उसके सामने खड़ा रहकर एक चिंगारी की आवाज ले सकते हो तो मैंने अच्छा किया मानता हूं। अगर कोई कहता है तुमने जात का नाम ले लिया, तुमने जाति को बांटने का काम कर दिया, तुम कभी कहते हो कि किसानों की बात, तुम कभी कहते हो युवाओं की बात, नहीं, मैं जिस समाज से आता हूं मैं किसान कौम से हूं, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मुझे किसानों की बात करनी चाहिए, यूथ की बात करनी चाहिए। जब मेरा समुदाय एक होगा तो मैं दूसरों को कहूंगा एकजुट होकर लड़ो और अनेकता में एकता है मेरा भारत महान कह दो। अनेकता में एकता है लेकिन लड़ूंगा मैं जाति के लिए। देखो जाति, मैं बार बार एक ही स्वर शब्द कहता हूँ, जातियों से बना देश है। संविधान ने कहा है कि आरक्षण के तहत सिर्फ रोजगारी की बात नहीं, सिर्फ विधानसभा या असेंबली की बात नहीं, हर एक समाज को पूरा प्रतिनिधित्व इस देश के अंदर मिलना चाहिए। अंबेडकर साहब ने कहा था कि सभी लोगों को समानता मिलनी चाहिए, लेकिन जिस समाज से आता हूँ वहाँ आज से 5-10 साल पहले 20 एकड़ जमीन थी, आज हमारे पास 5 एकड़ जमीन है। हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर पढ़ाई करते हैं, डोनेशन लगाते हैं, जब रोजगार की बात आती है तो गवर्नमेंट कहती है 15 लाख रुपया लाओ, 20 लाख रुपया लाओ। तो मैं मानता हूँ कि आरक्षण को मैं प्रतिनिधित्व मानता हूँ और आरक्षण का मैं हकदार हूँ। पूरे देश के अंदर सभी प्रदेशों के अंदर मेरे समुदाय को लोगों को आरक्षण मिलता है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मेरे समुदाय को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तीन युवा नेता 2015 से 2016 तक आप लोगों ने अलग अलग जगहों पर आंदोलन किया और लोगों का साथ मिला। मेरा सवाल आपसे अल्पेश जी ये है कि ये लड़ाई आपकी किसके खिलाफ है? ये ओबीसी प्लस एससी एसटी की लड़ाई है या फिर मोदी के खिलाफ लड़ाई है, बीजेपी के खिलाफ की लड़ाई है? नहीं देखिए अन्ना जी, हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ की है, जो संवैधानिक अधिकार हमें दिए गए उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। देखिए गुजरात के अंदर जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी है, क्या वो विकसित हुआ? क्या वो समानता की धारा के अंदर वो ज्वाइंट हो पाया? देखिए गुजरात के अंदर समृद्ध जाति, गुजरात की जो पाटीदार है उसको इतनी दिक्कतें हैं, तो सोचिए जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी क्या हालत होगी। पहले मुझे ये जवाब सिस्टम से चाहिए, क्या ओबीसी एससी एसटी को जो आरक्षित अधिकार मिले उसका वो अमलीकरण हुआ कि नहीं हुआ? जहां तक उसका विकास नहीं हुआ, जहां वो अभी भी पिछड़े हैं, जहां गुजरात के अंदर दलितों पे अभी भी अत्याचार हो रहे हैं, जहां आदिवासी अभी भी पिछड़ा है, आदिवासी कुछ बोल नहीं रहा, आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं? नहीं मैं भाग नहीं रहा हूं। देखिए हम ये बोल रहे हैं कि जो पाटीदार गरीब है उसको मिलना चाहिए, वो हम बोल रहे हैं। नहीं आर्थिक आधार तो ये नहीं कह रहे। देखिए हम ये बोल रहे हैं ना, राहुल कमल हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राहुल, दरअसल हम पिछले कई चुनावों को अगर गुजरात में याद करते हैं ना, तो बहुत आसान सा रास्ता लगता था, बहुत आसानी से हम प्रिडिक्ट भी कर सकते थे कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, सीटें नहीं लेकिन नतीजा जरूर। इस बार क्या वो पशुपेश अमित शाह में आपको नजर आ रहा था? जवाब तो वो हमेशा ऐसे ही देते हैं, आपकी उनकी बातचीत बड़ी दिलचस्प रहती है हमेशा, लेकिन क्या वो पशुपेश कहीं पर था कि मुश्किल हो सकती है? श्वेता, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि जब से आपने ये पांच का पंच स्टार्ट किया है तब से लगातार मैं टीवी देखता था और सोचता था कि ये तकनीक का बड़ा अजूबा है कि कहीं पर भी कोई बैठा हो उसको अब अपने साथ स्टूडियो में ले आती है, तो आज अहमदाबाद से आपसे जुड़ रही है, बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए हमने फैसला किया कि आज तो आपको जरूर लेकर के आना है एज अ गेस्ट। हाँ, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पे रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आ रही हैं, उनका मुकाबला होगा रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ। प्रकाश जावड़ेकर अभी अभी लैंड हुए हैं, सीधे यहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे पंचायत आज तक चल रहा है, उनका मुकाबला होगा राज बब्बर से, फिर पीयूष गोयल। तो एक्शन अभी काफी यहाँ पे पदमजा बाकी है। आपने सवाल पूछा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बारे में, हकीकत यह है कि अमित शाह जिस तरह से भी चुनाव लड़ते हैं उनकी ये स्ट्रैटेजी रहती है कि सब कुछ दाव पे लगा दो, सारे घोड़े खोल दो, सब लोगों को मैदान में उतार दो। तो उसी इसको देख के विरोधियों को लगता है कि कहीं पैनिक तो नहीं कर रहे, कहीं डर तो नहीं रहे,
हकीकत यह है कि हाल ही में जो ओपिनियन पोल आए उन्होंने दिखाया कि 30% का गैप है बीजेपी और कांग्रेस में इस वक्त। 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें भी बीजेपी को लगभग 60% वोट मिला था, 48% इनका अमूमन रहता है। तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में गैप बहुत बड़ा है। अभी आप सुना रही थी जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल के कार्यक्रम के कुछ अंश। ये तीनों खड़े तो हुए अपने समुदाय के नेता बनकर, लेकिन हकीकत यह है कि ये फिलहाल कांग्रेस से जुड़े नहीं। हालांकि इन्होंने इंडिकेट आज ये किया कि वो चाहते हैं कि मोदी हारें शाह हारें, वो चाहते हैं कि लोग इनके समुदाय के बीजेपी को वोट ना दें, लेकिन जैसे ही ये कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो जाते हैं वहां पर दिक्कत होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इलेक्शन, लेकिन अभी भी गैप दोनों पार्टियों के बीच में काफी ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जैसे कि श्वेता बता रही थी और राहुल आप भी बता रहे थे, एक गिवन होता था कि मोदी जो कि मुख्यमंत्री थे वो कितने मार्जिन से जीतेंगे, इसकी बातें होती थी। राहुल बहुत आगे बहुत सारा एक्शन है पंचायत आज तक में, तो हम आपको जाने देते हैं अभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी होपफुली मौके होंगे जब आप यहां पर पांच के पंच में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ पाएंगे। तो जितने ये नेता है, अब जो कई सारे अलग अलग मूवमेंट शुरू हुए हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और विजय रूपानी के खिलाफ, क्या इससे बीजेपी को कुछ असर पड़ सकता है आने वाले चुनाव में? जो ये युवा नेता हैं, क्या क्या इन्होंने कहा मोदी सरकार के बारे में, गुजरात सरकार के बारे में और अमित शाह के नेतृत्व के बारे में, आइए सुनिए। जिग्नेश जी, कितने केस आप पर? 5-6 हो गए। 5 FIR? तो आप तो तमगे की तरह लगा के घूमते हैं FIR। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी 2019 में यही ताकतें दोबारा पावर में आए तो आपको भी मेरे इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा कि नहीं, वो सवाल है। यदि 2019 में ये ताकतें आए तो न जाने इस देश में कितने दाभोलकर, कितने पानसरे, कितने कलबुर्गी, कितने गौरी लंकेश और कितने भौमिक खड़े हो गए, ये आज सवाल है। तो आपका जो सवाल था, आप किसके सामने हैं, उसको मैं रिस्पोंड करना चाहूंगा। सबसे पहले सवाल बड़ा कमजोर है सर, सवाल तो आपका है। 19 साल शासन बीजेपी का है और हम तो यहां बैठ के तीनों से इंटरव्यू कर रहे हैं। ये जो डर का कारोबार आपने बिछा रखा है, हमने छवि बिछा रखी, हमने है, बिछा के रखा पूछ है। रहे हैं सर आपसे, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि आपको इंटरव्यू करने नहीं मिलेगा, कौन रोक रहा है? रोक रहा है, बहुत से लोगों को खामोश किया जा रहा है। आपकी बहन का स्कॉलरशिप दूसरे लड़के को चला गया जो कि ओबीसी था, वहीं से आपके अंदर ये आग लगी, सही है या नहीं? हमारी बहन को स्कॉलरशिप मिलती है महसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट नंबर आने की वजह से, वो सिर्फ मिलती है 7,000 रुपये, 7 तारीख को मिलती है, 9 तारीख लास्ट डेट होती है चेक के अंदर। मेरे पापा 17 धक्के लगाते सचिवालय के, बाद में जाके वो स्कॉलरशिप रिन्यू होती है, मतलब 7 तारीख जो 9 तारीख थी उसकी 17 तारीख होती है। मेरे ही यह अंदर से जो आ थी ये थी कि अगर मेरी बहन पटेल है, वो पहले नंबर पर आती है महसाना डिस्ट्रिक्ट आर्ट्स के अंदर 84% के साथ, तो उसको सिर्फ 7,000 का स्कॉलरशिप क्यों? तो क्या जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा छेड़ा जा रहा है? उनका कहना है कि दलित हमारे साथ हैं इस बार चुनाव में, इस पर आपका काउंटर? और जो आपने पहले आरोप लगाया था कि डरा धमका कर आपको रखा जा रहा है इस मंच पर सबके सामने, 3 ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसकी वजह से हम आप पर भरोसा करें कि हाँ आपको डराया जा रहा है, कौन डरा रहा है? मोदी जी जितने भी बार गुजरात में आते हैं, सुबह 7:15 बजे गुजरात की पुलिस आकर मुझे उठाती है। देश की गुजरात के अंदर मैं तो दलील के तौर पे ये कहना चाहता हूं, मान के चलिए नेक्स्ट अभी जो चुनाव है उसमें भाजपा जीत गई, दलील के तौर पे मान के चले, लेकिन आज जो सूरत के व्यापारी सड़कों पर है, दलित सड़कों पर है, पाटीदार सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, उसको आपको क्या कहेगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्यों लोग बाहर है, क्या हमारे पास कोई काम नहीं है? ऊना में दलितों की चमड़ी उजड़ी नहीं जाती तो 50 लाख दलित क्यों बाहर आते? 14 पाटीदारों की जान ली नहीं जाती तो हार्दिक क्यों संघर्ष करता? अल्पेश ठाकुर क्यों क्यों कहना पड़ रहा है कि शराब बंद करो क्योंकि शराब बिकती है ना? ये कौन सा विकास का मॉडल लेकर आ पाए? तो इस सेशन की झलकियां हमने आपको दिखाई, लेकिन इस सेशन को क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने होस्ट किया, और अंजना इस वक्त हमारे साथ टेलीपोर्टिंग के जरिए जुड़ने वाली हैं, आ चुकी हैं। अंजना बहुत बहुत स्वागत है अंजना टेलीपोर्टिंग के जरिए, आज आप पांच के पंच में है। बहुत दिलचस्प आपका ये सेशन रहा, और जितने भी ये युवा नेता थे, चाहे आरक्षण का मामला हो, पाटीदारों का मामला हो, बहुत उत्तेजक बातें भी यहाँ पर सामने आई, कैसा एक्सपीरियंस आपका इस सेशन का ओवरऑल रहा? जबरदस्त रहा, वैसे जबरदस्त एक्सपीरियंस ये टेलीपोर्ट होने का भी है, तो चलिए टेलीपोर्ट होने का मेरा सपना भी सच हो गया। आप इससे पहले गुजरात से आई थी मीनाक्षी, राहुल मेरे पहले और अब मैं, तीनों जबरदस्त, फुल ऑफ एनर्जी जिसे कहा जाता है, ऊर्जा से भरे हुए तीनों आंदोलन छेड़ रहे हैं।
तीनों ने 2015 से लेकर 2016 तक कम से कम दलित मुद्दे पर, ओबीसी मुद्दे पर, पाटीदारों के मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है, नींद हराम कर दी है। यहां तक कि हार्दिक पटेल के बाद जो परिस्थिति बनी या फिर जो अल्पेश के आंदोलन के बाद बनी, जिग्नेश के आंदोलन के बाद आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा तक देना पड़ा, सरकार बदलनी पड़े। लेकिन दिलचस्प ये है श्वेता, मीनाक्षी, पद्मजा, दो श्वेता, कि आखिरकार ये तीनों जानते नहीं है कि इनकी दिशा क्या है। इनकी दिशा सिर्फ ये है कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, ये इनके लिए तय है। जीतना है या एक नया मॉडल देना है, या आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहना है, आगे बढ़ाएंगे, अगर पाटीदारों को भी वहां पर मौजूद है और इन लोगों से बात की है। एक बड़ा सवाल और अहम सवाल आपसे ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि वहां की जो जनता है, गुजरात की जनता, वो कितना इत्तेफाक रखती है इन युवा नेताओं से। और हमारी पांचवी साथी अंजना ओम कश्यप हमारे साथ जुड़ी हुई है सीधे गुजरात से, जहां पर पंचायत आज तक जारी है और बहुत ही दिलचस्प सेशन आपने अभी अभी होस्ट किया था। तीन लोग जिन्होंने सीधी चुनौती दी है शाह, मोदी और रूपानी को। बिल्कुल, और पद्मजा राजनीति में नहीं है, लेकिन इनकी राजनीति की धुरी क्या है? एक तो इस बात का प्रचार करना कि डर और खौफ में है आम लोग, तो इनसे आप जब भी बात करेंगे तो हमें मोदी या शाह की रैली के दिन यहाँ हिरासत में ले लिया जाता है या बहुत डरे हुए हैं लोग यहाँ पर, एक डर का प्रचार। और दूसरी तरफ आरक्षण की राजनीति, खुलकर कहा हार्दिक पटेल ने कि हाँ भारत में है जाति और जाति पर ही मुहर लगेगी, ये लगभग साफ कहते हुए आरक्षण उनका मुद्दा है। लेकिन वही विरोधाभास कि आपको आरक्षण भी चाहिए, आप चाहते हैं कि ओबीसी एससी एसटी में से पाटीदारों को भी आरक्षण दिया जाए। जब ओबीसी और एससी एसटी वाले से पूछिए कि आप चाहते हैं इनको आरक्षण मिले, तो फिर वो दाएं बाएं देखने लगते हैं। तो कुल मिलाकर इतना तय है कि जाति की राजनीति के दम पर लोग पहुंच रहे हैं हार्दिक पटेल की रैलियों में, लेकिन ये राजनीति कहां ले जाएगी, सिर्फ बीजेपी को हराएगी या उनकी सीटों में परेशानी का सबब बनेगी, ये महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद अंजना। बिल्कुल अश्वेता, जिस तरह से अंजना बता भी रही थी, अब देखना ये होगा कि भाई गुजरात की जनता दरअसल इन बातों से कितना इत्तेफाक रखती है, क्योंकि जो नया जनरेशन है उसमें एक जनरेशन ये भी है जो कि आरक्षण या रिजर्वेशन जो है उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। अब देखना, पता नहीं पूरा जनरेशन है या सिर्फ खड़े किए हुए नेता, ये गुजरात चुनाव नतीजे के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, तो पांच का पंच में हमारे साथ आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।